हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है बी फार्मा की काउंसलिंग से रिलेटेड, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों को बी फार्मा करना है उसमें बी फार्मा की काउंसलिंग से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वेब पेज ओपन किया है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिलिंग एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विस फॉर सेशन 2024 यानी aptec.admission.nic.in इसकी वेबसाइट है। और इसी वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखें तो इन्फॉर्मेशन देखें, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था बैचलर ऑफ फार्मेसी की वो 8 अक्टूबर थी, लेकिन अब वो डेट 8 से 15 नवम्बर और बढ़ा दी गई। अब जो डेट है वो 8 से लेकर 15 नवंबर तक है, यानी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 15 नवंबर कर दी गई है, यानी जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है बी फार्मा में काउंसलिंग के लिए, वो सारे लोग अब अपना रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर तक करा सकते हैं। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर च्वाइस फिलिंग की डेट आएगी, च्वाइस फिलिंग होगी और च्वाइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपको फ्रीज एंड फ्लोट करना है और उसके बाद आपका फी पेमेंट होगा। फी पेमेंट के बाद आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा और आप उस इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो अब ये जो डेट है वो 15 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में यानी AKTU में बी फार्मा में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कुछ और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।